नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अदिति क्रिएशन में। आज हम आपको ब्लाउज का डीप नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। अगर डिजाइन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएगा। ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है, ये अस्तर है। ब्लाउज की लंबाई तैयारी हमें 13.5 इंच रखना है। 14 इंच पर हमने निशान लगाए हैं। 32 साइज का ब्लाउज बनाना है। चौथाई भाग हमने 8 इंच लिए हैं। आर्म होल 5.5 इंच है। शोल्डर 5.5 इंच है। हम गले का निशान लगाएंगे तो यहाँ हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ हमें 11.5 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ फिर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे। अब हमें गले का निशान लगाना है तो वो इस तरह से लगाएंगे। ये अब हम यहाँ से निशान लगाएंगे। ये हमने गले का निशान लगा लिया है। अब इसको इस तरह से खोलेंगे। इसको इस तरह से रख के हमें दूसरे साइड भी निशान लगा लेना है। ये हमने इस तरह से निशान लगा लिया है। अब इसे हमें अस्तर पे रख के सिलाई कर लेना है। अस्तर इस तरह से बैठा लिए हैं। ये सीधी साइड से अस्तर डाले हैं, उल्टी साइड से हमें सिलाई करना है। तो इस निशान पे हमें सिलाई कर लेंगे। ये हमने इस तरह से सिलाई कर लिए हैं। अब ये बीच का कपड़ा कट कर लेंगे। ये हमने गला कपड़े कटिंग कर लिए हैं। अब ये साइड साइड से कटिंग कर देंगे। गला पलटेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगा। अब इसको हमें इस तरह से पलट लेना है। ये अस्तर की साइड हमें सिलाई करना है। अब इसको हमें इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेना है गले के किनारे पे। हमने गले के किनारे पे सिलाई कर लिया है। अब अस्तर के साथ हमें सिलाई कर देना है। ये हमने अस्तर के 4 साइड सिलाई कर लिया है। अब नीचे से कपड़े को मोड़ देंगे तो इसको इस तरह से रखते हुए। ये हमने नीचे भी सिलाई कर लिया है। इसमें डिजाइन बनाएंगे तो इसके लिए ये कपड़ा है, 3 इंच चौड़ाई है। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इसे हम पिन के सहारे इस तरह से पलट लेंगे। ये हमने इस तरह से पलट लिए हैं। अब इसे 3 इंच लंबाई का कटिंग कर लेंगे। अब इसे हमें बीच से सिल लेना है। तो ये सुई है, इसको सेंटर ले लेंगे इस तरह से। ये मोती लगा लेंगे। अंदर की ओर से हमें गांठ लगा लेना है। इसी तरह हमें सारे डिजाइन बना लेना है। ये हमने सारे डिजाइन इस तरह से बना लिए हैं। इस पे हमें लगाने के लिए पेपर लेंगे। ये पेपर है, इस तरह से रखेंगे इसे, इस तरह से निशान लगाएंगे। इस तरह से बुलाई में ले लेंगे फिर से।
और इसको इस तरह से रखते हुए हमें सेंटर में सिलाई कर लेंगे। ये जो मोती वाला हिस्सा है इन दोनों के बीच में हमें सिलाई करना है। हमने इस तरह से सिलाई कर ली है, इसे कटिंग कर लेंगे। अब नीचे से भी हमें सिलाई कर लेना है। इसे भी हमें नीचे से कटिंग कर लेना है। ये हमने डिजाइन को इस तरह से सेट कर लिया है। अब ये पाइपिंग लगाएंगे तो इसको इस तरह से रखेंगे। इस तरह से आया है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से सिलाई कर लेंगे। ये पाइपिंग के किनारे पे सिलाई करना है। ये हमने पाइपिंग इस तरह से सेट कर लिए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें एक बार सेट कर लेना है। यहाँ हमें इस तरह से टेक लेंगे पहले। इस तरह भी इसी तरह हमें टेक लेना है। यहाँ फिर इस तरह से टेक लेंगे। वे नीचे सिलाई कर लेंगे हम। ये हमने इस तरह से डिजाइन बना लिया है। अब इसके नीचे डिजाइन बनाना है। इसके लिए ये कपड़ा है, इसकी लंबाई 2.5 इंच, चौड़ाई 2.5 इंच है। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे। इसको इस तरह से सिल लेंगे। इसी तरह हमें सारे डिजाइन बना लेना है। इसी तरह का सारे डिजाइन बना लेंगे। ये हमने इस तरह से सारे डिजाइन बना लिए हैं। अब इसे सेट करना है। इस किनारे पे हमें रखना है इसको। ये हमने इस तरह से लगा लिया है। अब इसके ऊपर लैस लगाना है, तो ये लैस है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इसी तरह हमें दूसरे साइड भी लैस लगा लेना है। दोनों साइड इस तरह से लैस लगा लिए हैं। अब यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, तो इसको इस तरह से फोल्ड करके आर्म होल के पास हमें निशान लगा लेना है। तो यहाँ हम निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ से हमें स्टार्ट करना है लैस लगाना, तो इसको यहाँ हम रखेंगे। ये हमने इस तरह से लैस लगा ली है। अब इसके ऊपर एक एक मोती बैठाना है। ये मोती है, इसको इस तरह से हमें बैठा लेना है सारे पे। ये हमने मोती लगा लिए हैं, और ये जो पेपर था इसके अंदर वो भी हटा लिए हैं। ये डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो चुका है। हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा, और डिज़ाइन पसंद आया हो तो लाइक से जरूर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इसी तरह के नए नए ब्लाउज के डिज़ाइन आप तक पहुँचती रहे।